ऑब्वियसली आर राजकुमार अब रिलीज़ होने वाली है 6 दिसंबर को, और हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें बताया गया है कि डेफिनेटली आर राजकुमार के गाने, गंदी बात, साड़ी के फॉल्सा, ये सब गाने होंगे यहाँ पे। और हम लोग को तो जब भी डांस करने को कहते हैं इन गानों पे, हम लोग डांस करते हैं बिकॉज आई लव द सॉन्ग्स। एंड बाकी आई थिंक स्पॉन्टेनियसली हम लोग इन्जॉय करेंगे शो को, और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा परफॉर्मेंसेज देखने का, बिकॉज आई थिंक बहुत सारा टैलेंट ऐसे शोज़ में प्रमोट होता है और बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, और कई बार ऐसे डांसर्स को देख के ऐसा लगता है दैट वी नीड टू ब्रश अप आवर स्किल्स, और बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं यहाँ पे लोग। तो आर राजकुमार का प्रमोशन भी होगा और साथ में डांस को इन्जॉय भी करेंगे। एक्चुअली सोनाक्षी हमारे साथ कल तक थी और आई थिंक कल से फिर से सोनाक्षी हमारे साथ होंगी। ये एक चीज़ मैं और प्रभु सर साथ में कर रहे हैं, हम हमेशा सोनाक्षी को मिस करेंगे। राजकुमार फिल्म है, उसमें जो राजकुमारी हैं उनको हम हमेशा मिस करेंगे। सो या ऑफ कोर्स वी विल मिस हर, बट वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। प्रतिक्रिया हम कुछ नहीं दे सकते हैं, जो भी देना है फिलहाल शो हमको दे रहा है, ये हमारे शो में आके हमको इज्जत दे रहे हैं, और हमारी दुआएं इनकी फिल्म के साथ है कि इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है बहुत ही गजब का और पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एंड जो हमने प्रोमोज देखे हैं बहुत ही खूबसूरत, और एक आई थिंक शायद के लिए भी एक फर्स्ट टाइम एक नया किस्म का रूप है, एंड विच इज़ रियली शूटिंग हिम, बहुत अच्छा लगा। एंड जो लुकिंग फैंटास्टिक, और जो इनके जो वूप जो है दैट्स लुकिंग ग्रेट, एंड बहुत हमारी दिल से दुआएं, आई होप एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। ये तो एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग जहाँ पे दोनों ने साथ में किया है, दैट्स माइंड ब्लोइंग। वो जो जमीन पे लेट लेट छपर छपुर छपर किया है, दैट वाज फैंटास्टिक, रियली माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू। जो इसकी रूह है शो की वो वही रहेगी, जो इज्जत मिलती है पार्टिसिपेंट्स को वो वही रहेगी, पार्टिसिपेंट्स की ढूंढने की मेहनत हमारी वही रहेगी, लेकिन और जो बाकी जो सहानुभूति एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं हमारे शो में, तो एक एक्सचेंज हो जाता है कि उनको भी एक माध्यम मिलता है और हमें भी एक माध्यम उनके साथ मिल जाता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट। और जो बच्चे आते हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे को हमें हमारे प्रोत्साहन करने के लिए हमारे लिए बड़े बड़े स्टार्स आए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात हुई क्योंकि उनका इनकरेजमेंट होता है खासतौर से किड्स चैंपियनशिप में, तो ये लोग जो हैं आइडल्स हैं, और बच्चे जब साथ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। इट्स दोज लिटिल मोमेंट्स आई थिंक विच मेक अप। सो ये जो चीज़ें हैं दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड इट्स नॉट हार्मिंग एनीबडी, इट्स ओनली गेटिंग हाइज एंड पीपल आर फीलिंग नाइस, सो व्हाई नॉट। मैं इनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, और मैं बहुत छोटा था तो मैं इनको शूटिंग पे भी विजिट कर चुका हूँ, और मुझे मतलब काफी ऑनेस्टली, और आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बाइक का स्टंट शॉट हो रहा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और आई थिंक हाँ टाउन में कहीं शूटिंग चल रही थी, एंड ही वॉज देयर, एंड आई थिंक आई वॉज सिटिंग इन योर लैप हाफ द टाइम, एंड आई केप सिटिंग विथ हिम, एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई हिम, बिकॉज पहली बार ब्रेक डांस, यू नो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड इट, एंड आई वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस, तो मेरा एज अ किड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विथ हिम, एंड आई मीटिंग हिम आफ्टर मेनी ईयर्स, आई हैव बीन सीइंग दिस प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट्स अमेजिंग दैट इट्स बैक, एंड आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर एज अ सेलिब्रिटी आया हूँ, मैं यहाँ पर एज अ डांसर आया हूँ जो इनका शो देख चुका है, इन्जॉय कर चुका है, एंड आई वॉन्ट टू इन्जॉय दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक आई एम हियर फॉर दैट।